नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात उस दौर की जब राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में कहे जा रहे थे। लेखक जोड़ी सलीम जावेद से नाराजगी भी राजेश खन्ना को बहुत भारी पड़ी थी। इसका अंदाजा उन्हें पहले नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सालों में राजेश खन्ना को इसकी कीमत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सलीम जावेद उभरते हुए लेखक थे और राजेश खन्ना के साथ उनकी टीम भी बन गई थी, लेकिन अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में देने के बाद ये जोड़ी भी राजेश खन्ना के साथ काम करने से कतराने लगी। इससे दो नुकसान हुए। पहला ये कि सलीम जावेद उस वक्त फॉर्म में थे और उनकी अच्छी स्क्रिप्ट राजेश खन्ना को नहीं मिली। दूसरे, वो स्क्रिप्ट उभरते हुए स्टार अमिताभ बच्चन को मिली और वो ऊपर चढ़ते चले गए। इस दौर में खासतौर पर जावेद अख्तर के साथ राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें फिल्म मैगजीन्स में बहुत छपी। दोनों के कैंप से मतभेद की अलग अलग वजहें भी बताई गईं, मगर खुलकर दोनों ने मतभेदों के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा। सलीम खान से जब इस मतभेद की वजह एक इंटरव्यू में पूछी गई तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म थी भोला भाला, वो एक मराठी फिल्म पर आधारित कहानी थी, उसे वो हिंदी में करना चाहते थे तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए कहा गया। उसमें उन्होंने डबल रोल करना चाहा, क्रिएटिवली हम इस पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने हाथी मेरे साथी के वक्त हमें सपोर्ट किया था, हालांकि वो हमें ब्रेक देने वालों में से नहीं थे। हमें तो सिप्पी फिल्म्स में पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। इसके बाद वो वहाँ आए फिल्म अंदाज में, मगर वो ये समझते थे कि इनको, यानी कि सलीम जावेद को, मैंने ब्रेक दिया है, इनको मैंने सपोर्ट किया है और ये मुझसे असहमत हो रहे हैं। ये असहमति उनको बर्दाश्त नहीं थी। फिर जंजीर आई तो अमिताभ खड़ा हो गया, फिर हमने उसके साथ दीवार, त्रिशूल की, तो नेचुरली राजेश खन्ना ने सोचा होगा कि ये लोग मेरे साथ में थे और इन्होंने अमिताभ के साथ फिल्में लिखी। आज भी ये बात अक्सर कही और लिखी जाती है कि सलीम जावेद ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग की और एक तरह से उस दौर में अपनी लिखी हर स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के लिए मजबूत रोल लिखे ताकि वो राजेश खन्ना से बड़े स्टार बन जाएं। मगर क्या वाकई ये सच्चाई है? सलीम खान इस पर रोशनी डालते हैं। एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर बड़ी लाइन खींच दी। जानबूझकर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यू कैन नॉट डुप्लीकेट सक्सेस। अमिताभ आया था, उसकी 11-12 फिल्में फ्लॉप हुई थीं एक के बाद एक, वो तो वापस जा रहा था। अगर जंजीर नहीं चलती तो वो वापस चला गया होता, तो डिलीवरेट कैसे हो सकता है कि सलीम जावेद इतने बड़े खुदा हैं कि उन्होंने एक आदमी को लिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार भी हो सकता है। सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन एक टीम के तौर पर उस समय पूरी फॉर्म में थे, दर्शक भी कुछ नया चाहते थे। वहीं राजेश खन्ना कई साल से खुद को दोहरा रहे थे और उनका बर्ताव भी इंडस्ट्री में कई निर्माताओं को नागवार गुजरा था। अमिताभ की कामयाबी और राजेश खन्ना की नाकामी के पीछे कई वजहें थीं। सलीम खान कहते हैं कि इट इज वेरी रिडिकुलस, और बहुत से लोगों ने यह कहा कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा। अरे, हमारे हाथ में तो खुद हमारा ही फ्यूचर नहीं था। हमारी कोई फिल्म चलती थी, कोई फिल्म नहीं चलती थी, लेकिन हमारा एवरेज अच्छा था। जब राजेश खन्ना आए थे तो उन्होंने भी तो इतने सारे स्टार्स को ओवरटेक किया। उस दौर के दूसरे स्टार्स मसलन राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त को राजेश खन्ना ने डाउन किया था। तो क्या वो किसी की स्कीम थी, किसी की साजिश थी? उस दौर में सबको ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना के अलावा किसी की फिल्म चल ही नहीं सकती। जाहिर है कि गॉसिप पत्रिकाओं या फिल्मी पार्टियों में ये बात मसालेदार लग सकती है कि राजेश खन्ना के खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन तर्क की कसौटी पर समझा जाए तो उनके पतन के पीछे वजहें कई थीं। उनके ढलते दौर पर बात करते हुए एक युवा फैन ने उस समय फिल्म पत्रिका सुपर में कहा, ऐसा नहीं है कि वो हमें बुरे लगने लगे हैं, बस उनके दीवाने फैंस अब आगे बढ़ गए हैं,
इन सालों में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। पुराने फैंस बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और नए फैन कुछ नया चाहते हैं। राजेश खन्ना ने अपने फैंस का ख्याल नहीं रखा। हर 5 साल में लोग बदलाव चाहते हैं। एक सीनियर फिल्म निर्देशक एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्या एक बार सुनाते हैं। वो कहते हैं कि नमक हराम के बाद भी राजेश खन्ना अमिताभ से बड़े स्टार थे। अब भी उनकी मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा थी, मगर अब अमिताभ बच्चन के टैलेंट, उनके अभिनय का जिक्र खूब होने लगा था। शायद अंदर ही अंदर काका भी अमिताभ कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगे थे। एक रात 2-3 पैग मारने के बाद वो बोले, अमिताभ काफ़ी टैलेंटेड है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मगर रोमांस में अदा नहीं है। आपको क्या लगता है? और हम कहते हैं कि काका अपनी 2-3 फिल्में आने दें, फिर देखना आपके सामने कोई नहीं ठहरेगा। और फिर वो अपने स्टाइल में आंखें बंद करके बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराते जैसे फिल्मों में करते थे। तो क्या ये सुपर स्टारडम के अंत की शुरुआत थी? आम फैंस और फिल्म पत्रकारों के नज़रिए में राजेश खन्ना का सुनहरा करिश्माई दौर बीत चुका था। 1973 के अंत में स्टारडस्ट के वार्षिक अंक में छपे फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहिड़ी का लेख राजेश खन्ना के पतन को खुलकर बयां कर रहा था। इसमें लिखा था, आज राजेश खन्ना दुखी हैं मगर उम्मीद है कि ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। फेनोमिना अब ख़त्म हो चुका है। अफसोस कि उनका ताज और सिंहासन उनके हाथ से फिसल गया है। वो अपना वही रुतबा वापस पाएंगे इसकी उम्मीद कम है। कोई भी ऐसा नहीं कर पाता, शो बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं। जब कोई महान विशाल शख्सियत गिरती है तो वो पूरी तरह से गिर जाती है। इसके दोबारा भी वो ऊपर उठकर खड़ा हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के लिए वो गिर चुका है। और इस पतन को रोकने के लिए राजेश खन्ना ने कमर कस ली। उन्होंने अपने करियर में कई बार ये कोशिश की कि वो काबिल निर्देशकों के साथ काम कर सकें जो उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर पाए। भारतीय प्रधान बताती हैं एक वाक्या, कहती हैं कि मुझे याद है कि एक बार वो बासु भट्टाचार्य के साथ फिल्म कर रहे थे और शूटिंग के लिए वो मद्रास पहुंचे। फिल्म का बजट काफ़ी कम था तो महंगी गाड़ी के बजाय एक आम टैक्सी उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। अब वो तो सुपरस्टार थे, सालों से टैक्सी में नहीं बैठे थे। वो हैरान तो हुए, लेकिन फिर बड़े आराम से वो उस टैक्सी में बैठकर शूटिंग पर चले गए बिना कोई नखरा दिखाए। आविष्कार में उनका रोल पूरी तरह से नॉन ग्लैमरस और उनकी इमेज से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म में अपने बढ़िया अभिनय के लिए उन्हें उनका दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, मगर ये फिल्म नहीं चली। फिल्म आपकी कसम में भी उनका किरदार आम हिंदी फिल्मों से अलग था, जो अंत में अपना सब कुछ खो देता है। निर्देशक जे ओम प्रकाश बताते हैं कि जब मैंने एक मलयालम फिल्म पर आधारित आपकी कसम बनाने का फैसला किया तो राजेश खन्ना का समय अच्छा नहीं चल रहा था। आप उस आदमी यानी कि राजेश खन्ना का बड़प्पन देखिए, वो बोला, आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार डायरेक्शन कर रहे हैं, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहली फिल्म है तो आप कोई और आर्टिस्ट ले लीजिए जिसका टाइम अच्छा चल रहा हो, ताकि आपकी फिल्म चल जाए और बिजनेस ख़राब ना हो। और मैंने कहा कि ये ओम प्रकाश कहते हैं कि मैंने कहा कि काका जी, ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये बात कही, लेकिन अगर आपकी कसम बननी है तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर ये नहीं चलनी है तो आप हो या कोई और, ये नहीं चलेगी। और वो खुश हो गए, बोले, आपने मेरी हौसला अफजाई की। फिर फौरन तैयार हो गए। फिल्म में आर डी बर्मन का दिया संगीत भी ब्लॉकबस्टर था। जय जय शिवशंकर या करवटे बदलते रहे सारी रात हम जैसे गीतों में दर्शकों को अपना पुराना लवर बॉय राजेश खन्ना नजर आ गया। वहीं जिंदगी में रिश्तों के फलसफे को बयां करता हुआ आनंद बख्शी का गीत, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, तो आने वाले सालों में एक तरह से राजेश खन्ना की जिंदगी की कहानी बन गया। एक साल पहले की अपनी फ्लॉप फिल्मों से राजेश खन्ना ने शायद कुछ नहीं सीखा था। वो अब भी ओवर एक्सपोजर का शिकार हो रहे थे। इस साल यानी कि साल 1974 में राजेश खन्ना की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 3 कामयाब रहीं। एक स्टार के तौर पर शायद वो अपनी सफलता का पैमाना ये मानते थे कि साल में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हों, और सफल भी। हर साल उनकी कई फिल्में रिलीज़ होती रहीं और गुजरते वक्त के साथ कामयाब फिल्मों का औसत भी कम होता रहा।
उस दौर में उनके करियर के इस उतार चढ़ाव को बयां करता हुआ एक लेख स्टारडस्ट मैगजीन में छपा, जिसमें लिखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शानदार हैं, कितने मशहूर या कितने हैंडसम, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है, दर्शक उसे नकार देते हैं, ओवर एक्सपोजर जहर है। लगभग इसी समय देश के कुछ थिएटर्स में राजेश खन्ना की यादगार फिल्म आनंद दोबारा लगी, लेकिन इस बार फिल्म के पोस्टर्स पर अमिताभ बच्चन छाए हुए थे और असली हीरो राजेश खन्ना की तस्वीर सह अभिनेता की तरह छोटी हो गई थी। बदलते दौर की कहानी बयां करता ये पोस्टर बता रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सरकार अब बदल चुकी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।